it's a very great pleasure to have Honorable Sri Ashwini Kumar Ji Chaubey, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare. I think the contribution of Honorable Minister is indeed commendable, and a great amount of work has been done for societal development even before he assumed the office of minister. Decades of experience and decades of noble work he has done for society. And I think we were interacting with the office of Honorable Minister for last few days in particular, and the kind of efforts the minister, Honorable Minister, and the entire team is putting for the development of Indian pharma and healthcare society. I think पूरे दुनिया में पूरे ग्लोब में जो काम सर ने और उनकी टीम अभी कर रही है वो बहुत सारे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में भी इतना उसका सराहना की जा रही है कि जो इंडिया ने एक जो लीड रोल लिया है इस पूरी सिचुएशन में, चाहे वो फार्मेसी में हो, चाहे मेडिसिन में हो, और आई थिंक मिनिस्टर साहब का जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन योगा और मेडिटेशन जो इस टफ टाइम में बहुत ही जो कह सकते हैं कि मतलब उसका कोई शायद तोड़ नहीं है, तो ऐसे बुनियादी तौर पे जो काम मिनिस्टर साहब ने किया है और कर रहे हैं, आई थिंक वी आर वेरी ऑनर्ड सर. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर लीडिंग अस यू नो फ्रॉम फ्रंट. एंड वी आर वेरी श्योर कि आपके नेतृत्व में भारत एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है और बहुत ही एक लीडिंग प्लेटफॉर्म भारत को जो आपने दिया है उस पे कैपिटलाइज करेंगे. और ये तीन दिन का जो कॉप जिनी का जो डिस्कशन हमने रखा है, इसमें सर हम बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजीज को भी इंडियन कॉरपोरेट्स के लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं, फार्मेक्सिल के साथ में, फिक्की के साथ में, और जो पार्टनर एसोसिएशन सब ने बहुत मेहनत करके. और सर आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 3000 से ज्यादा कॉरपोरेट्स और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, और सोशल मीडिया के तहत, फेसबुक के तहत, और ये जो वेबिनार है उसके तहत आपका संदेश सब कॉरपोरेट्स को, फंड हाउसेस को, इन्वेस्टर्स को मिलेगा. और हमने सोचा कि ये शायद एक बहुत ही यूनिक वे है, अनूठा रूप है कि हम इस माध्यम के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूट करें. और इंडिया का जो एक फाइट करना है, आपका जो संदेश है कि हमको मिलके इस सिचुएशन से फाइट करना है, हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक बहुत ही स्मॉल अटेम्प्ट है कि हम इस COVID-19 को साथ में मिलकर लड़ें, टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि इंडिया वैक्सीन बनाए, और जो भी पीपी किट्स है या एंटी कोविड को लड़ने के लिए जो भी चाहिए फ्रॉम इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स, उनको फंड मिले और इंडिया एक बहुत ही सशक्त देश के रूप में उभरे. और आपने जो प्रयास लिए हैं उनमें हम खरे उतरें और कंधे से कंधे मिला के हम कॉन्ट्रीब्यूट करें. तो विदाउट टेकिंग मच टाइम सर, आई विद ग्रेट प्लेजर ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर कॉप जिनी टीम, आई इन्वाइट ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अश्विनी कुमार जी चौबे, इफ यू कैन गिव योर वर्ड्स ऑफ इनसाइट्स. We all are eager to listen to you. Over to you, sir. तो पहले और एक बात लोगों का सुन ले. और नहीं, और कुछ लोगों का, कोई बचे हुए कोई महत्वपूर्ण लोग जो अपना विचार दे रहा हो तो मैं भी थोड़ा सुन लेता. एक आदमी का कोई ऐसा एक आध कोई महत्वपूर्ण लोगों का विचार अगर देना है तो मैं सुन लूंगा, फिर मैं बोलूंगा. सर जैसा आप ठीक समझे, आप एक दो क्वेश्चन के बाद में फिर आप बोलना चाहेंगे. हाँ मतलब एक आदमी कोई और भी विषय को रख दे. हाँ कि मैं अभी तुरंत आया हूँ. ओके, तो इसके बारे में एक आदमी कोई और बोलना चाहे तो अच्छी तरह बोल ले दो चार मिनट, फिर मैं बोलूंगा. श्योर. सुझाव जो विषय है उसके बारे में एक आदमी कोई बोल दे तो अच्छा रहेगा. हमारे साथ दिनेश जी दुआ हैं और सुदर्शन जैन साहब भी हैं जिन्होंने काफी पॉलिसी मेकिंग में, और गुप्ता साहब भी हैं. सो दिनेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आपने जो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है कि कैसे हम इस सिचुएशन से मतलब आगे बढ़ रहे हैं और कैसे क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
सुदर्शन सर, मैं बोलना चाहूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हम गवर्नमेंट को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि अभी देश में देखें हम तो 60% दुनिया की वैक्सीन इंडिया से बनती है और 60% HIV ड्रग यहाँ से बनती है और इसी दोनों ड्रग का कोविड में बहुत बड़ा काम हो रहा है। चार वैक्सीन डेवलप हो रही है अभी तक और गवर्नमेंट इतना फास्ट काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है हमें वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए, तो हम गवर्नमेंट का आभार प्रकट करना चाहेंगे। दूसरा, HIV ड्रग का रीपर्पज किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन हमारा SCQ से शुरू हुआ था, अभी रेमडेसिविर पे भी काम हो रहा है, फ्लेविपीर पे भी काम हो रहा है, तो हमारी सब इंडियन कंपनी सब मिलके इस लड़ाई में जुड़ी हुई है और हम इंडिया को देखना चाहते हैं इस मौके पे कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं। एवरी थर्ड टेबलेट USA में इंडिया से जाती है, एवरी फोर्थ टेबलेट UK से जाती है और अब रिसर्च भी देश में हो जाएगा, इनोवेशन हो जाएगा, तो हम इंडिया का फ्लैग हरदम ऊंचा करते रहेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर और आपको धन्यवाद देते हैं। Global solidarity and cooperation is very important to fight COVID. With this, I leave it to my friend Dinesh Duwar. Dinesh, sir. Thank you very much. Good morning, Honorable Minister Sir. It's such a pleasure कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ. Sir, मैं Formexil Pharmaceutical Export Promotion Council का Chairman हूँ, sir. मैं report करता हूँ Honorable Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal जी को. और जब से COVID मार्च के लास्ट वीक से आया हुआ है सर, हम दिन रात वर्चुअली 24/7 गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सर सारी दुनिया को दवाइयां दे रहे हैं। सबसे पहले सर, हम बहुत रोबस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट है, जैसे कि सुदर्शन ने कहा, हम सर नंबर 3 है दुनिया में वॉल्यूम वाइज और वैल्यू वाइज नंबर 9 है सर। हम 211 देशों में से 206 देशों में कॉस्ट इफेक्टिव बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन दे रहे हैं सर। यूनाइटेड स्टेट्स में सर हर तीसरी गोली जो एक अमेरिकन जेनेरिक स्पेस में खाता है सर, वो इंडिया से जाती है। आपको विदित होगा कि रिसेंटली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया था और तब जाके उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मिली। मैं पर्सनली इन्वॉल्व था सर दो ड्रग्स में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल, बहुत देशों में देने के लिए सर। यूरोप के 27 देशों के काउंसिल जनरल हमसे जुड़े हुए थे कि उनको पैरासीटामोल की गोली और API दोनों जल्दी से जल्दी दी जाए सर। इस सब को देखते हुए सर, तीन एलिमेंट्स हैं हमारे देश में सर जो कि कोविड की लड़ाई में लिप्त हैं और 24/7 उससे जम के लड़ाई कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो दवाइयां हैं सर, मैंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पैरासीटामोल को बताया सर। एक ड्रग जो कि बहुत सक्सेसफुल है दुनिया में, रेमडेसिविर, वो भी इंडिया में तीन कंपनियां बनाने को तैयार हैं। एक फेविपिनीर है सर जो कि दो इंडियन कंपनीज इस टाइम बिल्कुल तैयार हैं, उनको DCGI ने जो कि अल्टीमेट अथॉरिटी है उन्होंने परमिशन दी है बनाने के लिए सर। तो जितनी भी ड्रग्स हैं, केमिकल ड्रग्स हैं, उसमें इंडिया बिल्कुल टॉप पे है सर कोई भी दवाई बनाने के लिए। और मुझे इस बात का फख्र है और विश्वास भी है सर कि बहुत जल्दी जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं, चाहे वो इनोवेटर हैं या अदरवाइज हैं, वो इंडिया को लेवरेज करेगी सर। तो ये तो हो गया केमिकल एंटिटीज का, जहां इंडिया नंबर 1 इन द वर्ल्ड है सर, 30% मार्केट शेयर है हमारा सारी दुनिया में सर। अब आ जाए सर दूसरा, डायग्नोस्टिक्स में सर। शुरू में सर डायग्नोस्टिक्स में हमारे यहाँ बहुत कमी थी, सारा सामान पड़ोसी देश से आता था, पर इतनी जल्दी से और इतनी तरक्की से काम हुआ पिछले 3 महीने में सर, हम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशियंट हो गए सर। तीसरा आ जाते हैं सर PPEs में, मास्क में, ग्लव्स में, सैनिटाइजर्स में सर। वही कंडीशन थी कि पड़ोसी देश से सब सामान आता था सर, पर कोविड ने हमें वेकअप कॉल दी, तीनों मिनिस्ट्रीज ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्लैरियन कॉल दी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। और बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं सर कि 300 कंपनियों ने एक महीने के अंदर अंदर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया सर। कोई भी देश सारे संसार में ऐसा नहीं कर पाता सर जो हमने किया है। लास्टली सर, बहुत ही खुशी है मुझे ये कहने की सर कि वैक्सीन में सर जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर होगा ह्यूमैनिटी का कोविड के अगेंस्ट सर, उसमें भी कोई लगभग 75 कंपनियां इस टाइम हैं। कल विजय राघवन जी ने बोला था कि 30 इंडियन कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं सर। उनमें से सर मेरा ये अपना विश्वास है कि 3 कंपनी इंडिया की ऐसे हैं जिसमें एक में मैं काम कर चुका हूँ, ज़ायडस कैडिला हेल्थकेयर सर। दूसरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त और रिसर्चर हैं अमेरिका से, हैदराबाद से, भारत बायोटेक। और सर चौथा जो दुनिया की वैक्सीन की सबसे ज्यादा मात्रा में बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिस्टर पूनावाला। ये तीनों अग्रणीय हैं सर
अगर पहली वैक्सीन अगर दुनिया में आएगी, ये मेरा भरोसा है, विश्वास है, वो आई थिंक इंडिया से आएगी सर, क्योंकि जो फ्लू वैक्सीन है जो भारत बायोटेक बना रहे हैं अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के साथ सर, वो इंट्रानेजल वैक्सीन है, विच मीन्स कि ये वही रूट फॉलो करेगी सर जो कि कोविड 19 ने फॉलो किया, जो वायरस ने फॉलो किया सर। मेरा बहुत विश्वास है सर कि सूनर और लेटर बाय सितंबर, इफ नॉट सितंबर बाय दिसंबर, वी विल हैव अ सॉल्यूशन टू दिस पेंडेमिक, एंड आई थिंक इंडिया विल मेक श्योर कि इंडिया की जो कॉन्ट्रीब्यूशन दुनिया दुनिया में करनी है, चाहे वो केमोथेरेपी है, डायग्नोस्टिक्स है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, या फिर वैक्सीन है, उसमें इंडिया सबसे उभर के आएगा सर। धन्यवाद। नीलेश, यू आर म्यूट। बुआ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातों को सुन करके। बहुत लंबे समय से डिस्कशन चल रहा है, मैं अपने महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग में व्यस्त था और फिर मैं आपके बीच अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और इस कोविड के कालखंड में आप सबसे मिलने का मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित हूँ कि आप जैसे जो इस देश के महत्वपूर्ण और सामाजिक क्षेत्रों में, विशेष करके फार्मास्यूटिकल में और हेल्थ केयर के लिए जो आप सब लोगों ने, ये एलाइड इंडस्ट्रीज के जो जितने भी लोग यहाँ आप जैसे विशिष्ट लोग पधारे हुए हैं, मैं आप सबको हृदय से आभार प्रकट करते हुए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई सबको, नमस्कार। जहाँ तक का अभी हमारे महावीर लुनावत जी ने विषय को प्रवेश कराया और श्री सुदर्शन जैन जो बड़ी ही नामी जानी हस्ती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और डॉक्टर दिनेश दुआ जी, आपको तो हर लोग जानते हैं, दुआ जी का दुआ हो जाए तो जैसे भगवान का दुआ होता है तो हमें इंसान का दुआ भी चाहिए। भगवान का दुआ तो हमारे साथ रहेगा ही, अगर इंसान का दुआ हो जाए और भगवान दोनों साथ हो जाए तो देश महान हो जाए, इसमें कहीं दो मत। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जहाँ तक का मुझे ये कहने में बड़ा ही गर्व का अनुभव हो रहा है, मैं प्रत्येक क्षण, अभी भी थोड़ी देर पहले जब मैं मीटिंग में बैठा हुआ था तो कुछ इस प्रकार के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो अच्छे काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में लगातार दर्जनों बार हम लोगों की मीटिंग होती रही है और फार्मास्यूटिकल के बारे में आपके मंत्री और विभाग के सचिव बराबर हम लोगों को वो ध्यान में देते रहे हैं। और वैसे भी मैं लगातार बिहार में भी पहले स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, लंबे अरसे से स्वास्थ्य क्षेत्र का काम मुझे देखने का अनुभव है और भारत सरकार में भी काम कर रहा हूँ, तो मैं लगभग बड़े बड़े जो भी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इंडस्ट्रीज है, कैसे हमारा इंडस्ट्री बढ़े, और इसको लेकर के मैं अभी विदेश भी गया था, ब्राजील गया था, कई देशों में जब मैं गया तो मैंने वैक्सीन पर ही कॉन्फ्रेंस भी था, ये आप जानते होंगे कि पिछले महीनों में कोविड के ठीक 2-3 महीना पहले जो हमारे ब्रिक्स कंट्री का भी कॉन्फ्रेंस था और उस ब्रिक्स कंट्री के कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने का मौका मिला और हमने भारत के बारे में बताया, जो बात आप आज कह रहे हैं कि 60% हमारे जो हमारी दवाइयां हैं वो भारत का है, भारत से जाता रहा है और भारत बड़ा भाग्यशाली है और सचमुच में 30% से भी ज्यादा मार्केट शेयर भारत का है। जो बात आपने दुआ जी कहा है तो मुझे खुशी हो रही है और अभी जैन साहब भी कह रहे थे कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़ी बात आपने कहा है। भारत सदियों से, आज से नहीं, मैं पारंपरिक युग की बात कर रहा हूं, भगवान धन्वंतरी की बात को याद कर रहा हूं, सुश्रुत की बात की याद कर रहा हूं, ऐसे महर्षि, ऐसे देव तुल्य देवता जो भारत में जन्म लेकर के इस भारत को महान भारत जिन्होंने बनाने का काम किया, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति
विश्व में अगर किसी ने खोज निकाला तो उसका नाम भारत है। विश्व के अंदर पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक महान हस्ती रही है। ये ठीक है कि आज हम किसी कारण से हमसे बहुत सारे देश आर्थिक संपन्न होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश आज दुनिया में विकसित देश है, हम अभी विकासशील और विकसित देश होने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन भारत सदियों से, हजारों वर्षों से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा भारत का एक सौंदर्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा भूमि, सभी सुखी हो, सभी आरोग्य रहे, सभी भद्र हो और सभी एक दूसरे को उनकी पीड़ा में, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उनके पीड़ा के निवारण के लिए सामने आए, उनका साथ दे। यही मानवता है और यही इंसानियत है, यही भारत की सभ्यता और संस्कृति है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने वेद में, तमाम शास्त्रों में, हमारे मतलब चाहे वो चरक पद्धति हो या जिस नाम से मैं जाना जाता हूँ, हमारे माता पिता ने भी हमारा बड़ा सोच के नाम रखा था, अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमारों देवताओं के वैद्यराज हुआ करते थे, आप सभी जानते हैं। मैं नहीं, मेरा अश्वनी कुमार नहीं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे माता पिता ने मेरा नाम जरूर सोचा था कि ये भी बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन मैं डॉक्टर के दहलेज से वापस आ गया और मुझे आज भी मेरे मन में पीड़ा है कि शायद मैं डॉक्टर बना रहता तो और भी इंसान की सेवा अच्छी ढंग से करता, लेकिन डॉक्टर नहीं बना। लेकिन डॉक्टर और दवा के खान में मैं जरूर वर्षों से काम कर रहा हूँ, इसका हमें सौभाग्य है। और इसलिए मेरे यहाँ देश के अंदर ऐसे महान हस्तियां रही हैं जिन्होंने दवा को तैयार किया। आप तो जानते हैं कि जब लक्ष्मण को बाण लगा और लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान जी तैयार हुए, और हनुमान जी जब खोजने गए बहुत बाधाओं के बाद, और उनको जब बताया गया था कि ये दवी है, दवा है, ये जड़ी बूटी है, वो भूल गए, इसलिए कि हनुमान ने कहीं कोई उस समय विश्वविद्यालय में पढ़ा नहीं था, कोई शोध नहीं किया था, उनको दवा के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने पूरे भगवान श्री राम का नाम लेकर के और पर्वत के उस सुमेरु पर्वत को अपने उंगली पर उठाते हुए और जय श्री राम करके आकर के वैद्यराज के सामने वो रख दिया कि वैद्यराज अब आप इसका निर्णय करो, मुझे तो आपने कहा था और जल्दी से मुझे लाना था, मैं खोज रहा था, मैं भूल गया कौन सा जड़ ले जाओ, कौन सा दवाई उपयुक्त होगा। और अंत में उन्होंने निर्णय किया, वो शक्तिशाली थे महाबली हनुमान, स्वयं जगत को बल देने वाले, तो वो स्वयं पर्वत लेकर के सुमेरु पर्वत को और वैद्यराज के सामने रख दिया, और तब उसने संजीवनी बूटी निकाल करके और लक्ष्मण को, उस मूर्छित लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दे करके जिंदा किया। ये हम सभी जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने किया है। आज चाहे वो चिकित्सक हो, चिकित्सा कर्मी हो, या आप जैसे दवा को ढूंढ निकालने वाले लोग, आप जैसे वैक्सीन या विभिन्न बीमारियों की वैक्सीन तैयार करने वाले, आप जैसी संस्थाएं, आप जैसे उद्योग धंधा चलाने वाले जिसमें भारतीय सोच है, जिसमें भारत को महान बनाने की सोच है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हमारे पास बराबर हमारे विभाग में उनका बहुत सारा काम, बहुत सारे वैक्सीन वो देते रहते हैं, बराबर मैं संचिका में ऐसे चीजों को देखते रहता हूँ, और अभी भी मैंने वो संचिका में अपने तरफ से स्वीकृत किया है कि अमेरिका के साथ जो उन्होंने किया है, और उन्होंने परमिशन मांगा था भारत सरकार से, हम लोगों ने ये परमिशन दे दिया कि आप तैयार करो, और अगर आप सफल हो जाते हो तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। हमने वो भी करने का अभी हाल ही सप्ताह में मैंने किया है। तो निश्चित रूप से मैं ये बता सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप जैसे लोग जो चाहे दवा के क्षेत्र में हो, चाहे वैक्सीन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे दवा के जितने भी आज जो सही मैं कह सकते हैं कि बहुत सारे जो
हमारे मेडिकल एलाइट जो फार्मास्यूटिकल या एलाइट जो हमारे बहुत सारे जो ऐसे उपकरण है, स्वास्थ्य के उपकरण है, जिसको आज हम बनाना शुरू कर दिए। और ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स जो विदेशों से बहुत महंगी आती थी, आज हमारे देश में विशाखापत्तनम में गया था उद्घाटन में पिछले वर्षों में, और आज विशाखापत्तनम में हमारा एमटेक जोन भी खुल गया है काफी बड़ी संख्या में। और हम तो चाहते हैं कि देश के कोने कोने में हमारा भारत सरकार सहयोग देने के लिए तैयार है कि एमटेक जोन जैसा हमारे जो मॉडल है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, उनकी सोच है कि हमारा देश, हमारे लोग कैसे उस स्पर्धा में आ सकते हैं, अपने अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा वो अच्छे उपकरण तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए भारत सरकार हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर रही है। और निश्चित रूप से भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व आज देश को संभल किया। आज कोविड के इस कालखंड में भी हम जहां वैश्विक महामारी से युद्ध कर रहे हैं, ठीक कहा आपने, आप उससे जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए रहे कि आज दुनिया के कई दर्जनों देशों में ऐसे जो प्रगतिशील देश हैं, आज ऐसे देशों को भी ऐसे टैबलेट की जरूरत पड़ गई, तो उसको आप लोगों ने बना करके भेजा, आप उसके हस्ताक्षर हैं, दुआ जी आप जैसे लोग हस्ताक्षर हैं उसके, सरकार तो है ही किंतु तो आप लोग भी हस्ताक्षर हैं, और आप सब लोगों के मेहनत और परिश्रम के कारण आज दुनिया भर में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट आज हजारों लोग उससे लाभान्वित हुए, लाखों लोग। और हम ये कह सकते हैं कि जो पहले मलेरिया का उपयोग में आता था, हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला, और आप सबके सहयोग से हमारी सरकार ने अपने लिए भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, पूरा विश्व हमारा परिवार है, भारत की सोच तो ये, हम अपने लिए केवल नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं कि हमारा देश भी सुखी रहे, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो, और भारत महान भारत बन करके दुनिया का, जो पहले भारत ने विश्व गुरु हो करके पूरी दुनिया की चिंता किया है, आज हम फिर से उभर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। बीच के कालखंड में कहीं हम थोड़ा सा नीचे हो गए होंगे, लेकिन अब भारत एक महान भारत के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारी सोच और सोच के कारण बढ़ रहे हैं। हमारा सोच कहीं भी ना तो हमारा हिंसात्मक सोच है, ना ही हम किसी देश पर कब्जा करना चाहते हैं, ना वर्चस्व हम डालना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। भारत सेवा के प्रति बराबर कर्तव्यनिष्ठ है, सत्य और अहिंसा के बल पर जो महात्मा गांधी जी और बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद सब लोगों ने कहा, हमारे महर्षि देवा तुल्य ऋषियों ने कहा, तो सेवा परो धर्म, सेवा ही हमारे लिए बहुत बड़ा धर्म है, हम सेवा कार्य को कभी भी झुठला नहीं सकते। और भारत की महानता इसमें, भारत किसी देश को अपनी शक्ति से डराना नहीं चाहता, भारत अपनी सेवा के माध्यम से पूरी दुनिया की सेवा करना चाहता है, और यही हमारी सोच है। और कोविड के इस कालखंड में आपने देखा कि आप सब लोग के सहयोग से आज ब्राजील के वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री, अगर भारत के बारे में और दुनिया के कई देशों ने कहा कि भारत आज इस दुख के घड़ी में जिस प्रकार से भारत ने सहयोग किया, सचमुच में भारत के बारे में एक बहुत बड़ी साख दुनिया में बनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दिया, उन्होंने तो कहा कि भाई ये बजरंग बली है, ये ब्राजील के राजनयिकों ने कहा कि ये बजरंग बली है, सचमुच में हमारे लोग, हमारे जन जन में भगवान है, कण कण में भगवान में, हर बट वृक्ष, हर पौधे, हर धरती के माटी में हम ईश्वर का रूप देखते हैं। हमारी सोच तो वो है, और हमारी सोच यह है कि हम विश्व का कल्याण करें, हम केवल अपना कल्याण नहीं, जो वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम की बात कहा मैंने, और वसुधा का कल्याण न भूले। हम तो कहते हैं, गीत गाते हैं और बराबर हम लोग कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये सबका हित हो, सबका सुखी हो, कल्याण हो। तो आज हमारा देश, मैं आपके जो आज के विषय है,
आपने जो विषय चुना है कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर फार्मा एंड एलाइड इंडस्ट्रीज बहुत ही उपयुक्त है, समीचीन है। और निश्चित रूप में हम जानते हैं कि COVID-19 के बारे में जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पता चला 31 दिसंबर को चीन का वो मामला सामने में आया, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में अपना काम शुरू कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बिना एक दिन रुके 31 तारीख को ये बात जग जाहिर हुआ चीन से, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह इसकी सूचना और हम लोगों को आदेश दिया कि काम शुरू कर दी। और हम लोगों ने लगातार रात दिन कोविड के कालखंड में, शायद ये पहली बार हुआ होगा विश्व के अंदर कि हमारा कार्यालय का सेक्शन 24/7 काम करते रहा। हम सारे लोग रात दिन दफ्तर में, अपने आवास में भी, 2 बजे रात हो, कोई भी, हर जगह, जब तक देश भर के ख्याल, देश भर के लोगों से बात नहीं हो जाती है तब तक नींद नहीं आती है। क्या हो रहा है हमारे देश के कोने कोने में, दुनिया में क्या हो रहा है? हम लोग बराबर टीवी चैनल से तो लोग देखते ही हैं, टीवी देखने का तो मुझे कम मौका मिलता है, लेकिन हम लोग उसकी चिंता जरूर करते हैं टेलीफोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से बात करके, बड़ी अपने आप को बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग से बात करके बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो निश्चित रूप से जो भारत ने, भारत सरकार ने कोविड का मुकाबला करने के लिए त्वरित कार्रवाई की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उसको फॉर्मेशन किया, और हम लोग लगातार दर्जनों बार बैठ करके और चिंतन किया, और उसके कारण जो कोविड को आज हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग विदेश के द्वारा जो विदेशों का से हवाई जहाज आ रहे थे, अगर वो सेवा को हम लोगों ने समय पर नहीं रोक लगा के, और अगर प्रधानमंत्री जी का वो जो हमें दिशा निर्देश मिला, हम लोगों ने उसके कारण पूरे दुनिया को उस समय हमने आने का यात्रा रोका, और बाद में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की एक उचित समय पर, दूरदृष्टि का परिचय हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और देश को बड़े खतरे से बचाया। हम ये कह सकते हैं कि आज लाखों लोग, क्या हालात है दुनिया भर में, आज हम दुनिया के तमाम देशों से बेहतर है। ये ठीक है कि आज हमारी संख्या कोरोना वायरस का बढ़ रहा है, लेकिन हमको चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया है। हम 1.5 महीना घरों में बंद रहे, आज भी हम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अनावश्यक आप घर से ना निकले, जो काम हो, जरूरी काम हो, वहां काम करके, और मास्क पहन करके या चेहरे को ढक करके, तौलिया से, गमछे से, ओढ़नी से आप अपने चेहरे को ढकें, और बाजार जाएं या कहीं भी काम में जाएं तो उसका पालन करें, हाथ अच्छी तरह धोएं, स्वच्छता का ख्याल रहे, और ये सारी बात, और 2 गज दूरी बनाए रखें। यह जो लॉकडाउन 4 में भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं, बहुत कुछ छूट सरकार ने दिया है, और सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी राजनयिकों से, सभी पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से बातचीत करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जन जन से, गांव गांव में अपने से टेलीफोन करके लोगों से बात किया है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक प्रधानमंत्री किसी गांव के एक आदमी से बात करता है कि आप लॉकडाउन में कैसे हो, गरीब लोगों से बात करता है, आम लोगों से बात करता है कि आपकी क्या हालात है, एक प्रधानमंत्री अगर पूछता है तो कितनी बड़ी बात है। हम सब लोगों ने अपने अनुभव को शेयर किया, और दुनिया भर के लोगों के अनुभव के आधार पर हर एक बार लॉकडाउन में जो चीजों को हम देख रहे, छूट दी गई, वो छूट मिलता रहा, और लॉकडाउन 4 में आज हम देख रहे हैं कि हमें अपनी चिंता भी है, परिवार की भी चिंता है, और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जो जहां है वो सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और देश का ख्याल रखें। वही बात हम सब लोग कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें निश्चित रूप से, और वो जब हम अपनी सुरक्षा, जब हम अपना, हम कह सकते हैं कि अपनी सुरक्षा को पहले ध्यान में रखते हुए, हम रहेंगे तो जग रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो फिर जग को कैसे देख पाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जन से जग तक, और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, इस बात को इसलिए कहा,
कि हमें अपनी जान की भी चिंता है और जहान समाज की भी चिंता, आम लोगों की भी चिंता, और इसलिए हमने गरीबी, हमारे श्रमिक भाई, देश भर में जितने लोग आज कोरोना से अरबों की क्षति पूरी देश और दुनिया की हो रही है, लेकिन हम लोगों ने आत्मविश्वास को बनाए रखा। आत्मविश्वास कभी भी हमारा कम नहीं हुआ, और आपने देखा कि हमने अपने आत्मशक्ति के बल पर देश में हम आज इस परिस्थिति में भी आर्थिक का भले ही कितनी क्षति हो जाए, लेकिन अब लॉकडाउन 4 में हमने कुछ आर्थिक प्रगति को भी करने के लिए संकल्प लिया। जहां मजदूर भाई, श्रमिक भाई, लाखों श्रमिकों के लिए जब उनकी चिंता अपने घर जाने की हो रही है, तो हमने घर भेजने का भी काम लगभग 52 लाख से भी ज्यादा लोगों को रेलगाड़ियों से, बसों से, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से उनको अपने घर तक ही पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे श्रमिक वापस होने के लिए भी तैयार हुए, वापस हुए भी हैं कुछ लोग, वो अच्छे अच्छे इंडस्ट्री जो उद्योगपति हैं उनको सहयोग कर रहे हैं, उनका हर तरह से उनका साथ दे रहे हैं। तो श्रमिक अपने मालिक के यहाँ इंडस्ट्री के काम जिन्हों के बल पर चलता है वहां भी काम करने के लिए तत्पर हुए हैं, आगे और तत्पर होंगे। तो निश्चित रूप से भारत सरकार की सोच बहुत ही बेहतर सोच रही है, और हमने सही समय पर लॉकडाउन को लगाया, अन्यथा प्रधानमंत्री जी अगर ये दूरदृष्टि नहीं रखते तो आज इतनी बड़ी महामारी भारत में फैलता कि आज हम दुनिया में जितनी बड़ी आबादी है चीन के बाद, चीन हो, अमेरिका हो, ये तो सब प्रकार का उनके पास सामग्री है, हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, हमारे पास तो वो भी नहीं था। और आपकी जानकारी के लिए हम क्या हालात होती है हमारे, हम कहाँ रहते, और लाखों लोग भारत में जहां 1000 में हमारी मृत्यु है, लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती, हमने उसको बचाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और समय पर लॉकडाउन लगा करके भारत को बचाने का काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और जनता का बहुत बड़ा सहयोग था। अगर 130 करोड़ नागरिकों का सहयोग नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री अकेले कुछ नहीं कर पाते, आम नागरिकों ने भरपूर सहयोग दिया, दिल खोल करके सहयोग दिया, और यहाँ तक कि जो गरीब भाई गांव-गांव में, उन्होंने कहा कि भाई कोई भूखा ना रहे, ये ध्यान रखे सब लोग, और चाहे वो प्रधानमंत्री के कोविड फंड में हो, प्रधानमंत्री केयर फंड में हो, या तमाम लोगों ने 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, करोड़ों का, और उसमें अपना उन्होंने कोविड को देखते हुए अनुदान भी दिया। गांव-गांव में हमने देखा है, अपने गांव में, क्षेत्र में लोग अपने भाई कोई भूखा ना रहे, खोज खोज करके उनके घर में अन्न पहुंचाने का काम किया, करोड़ों लोगों को भोजन देने का काम किया। यही तो मानवता है, यही भारत का इंसानियत है, जन सेवा जनार्दन सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी उस समय कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा ही असली पूजा है, हमारे लिए वही पूजा है। और हमारी सरकार प्रारंभ से 2014 में जब सरकार बनी तो गरीबों के प्रति समर्पित सरकार, हमारी सरकार गरीबों के प्रति, हम आम लोगों की चिंता करते हुए, जिसकी चिंता कोई नहीं करता उसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार करते हैं, इसमें कई दो मत, आपके सहयोग से कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई कई योजनाएं, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना, आपने देखा पूरी दुनिया ने सराहा, मैं एक छोटा सा देश उसमें विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, और बहन सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी उनके विशेष आग्रह पर मैं विदेश गया था, उनका जो आदेश था, और उस समय फिजी के बगल में एक छोटा सा देश तुवालू है। अब आप सोच रहे 12,000 का देश है, और जब मैं उस समय गया उस समय आयुष्मान भारत लागू नहीं हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट में हमारे विद्वान जो मंत्री थे, वित्त मंत्री उस समय के सरदे अरुण जेटली जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने विषय को रखा था कि आयुष्मान भारत दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगा, आपको याद होगा, और बजट भाषण में उन्होंने कहा था। और जब मैं उस समय उसके बाद जब मैं गया तो तुवालू के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी मुझसे वहां कह रहे थे,
कि हमें नरेंद्र मोदी जी का वो आयुष्मान का एक टुकड़ा, आयुष्मान भारत का टुकड़ा हमें भी चाहिए। मैंने कहा आपको मिलेगा, आप चिंता मत करें। और उन्होंने उसकी चिंता किया, उनको योग शिक्षक चाहिए था वो हमने भेजने का काम किया, उनको डॉक्टर चाहिए था वो भी हमने भेजने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अपनी कमियों के बावजूद भी हम अपने लिए भी और पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, हम अपने दर्द को भी मिटाते हैं और दुनिया के दर्द में भी अपना हिस्सा लेकर के उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। तो आज कोविड के घड़ी में भारत में जो मैंने कहा आयुष्मान भारत से करोड़ों लोग आज उससे लाभ हुए। पिछले दिनों ही आपने देखा कि आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के माध्यम से इस देश के अंदर और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं 20 महीने के कालखंड में। हमारे 21,000 से भी ज्यादा अस्पताल, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल आज इससे जुड़ गए। देश के आज लगभग 29 राज्य और अन्य जो 2-4 राज्य नहीं जुड़े वो भी जुड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। ये हमारे आयुष्मान भारत का पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है, जो आज के विषय के लिए वह भी महत्वपूर्ण है, जो आपने हेल्थ केयर की बात किया है, हमारे देश के अंदर 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसको प्रारंभिक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। हम जो बुरी कंडीशन में बहुत राज्यों में बहुत ही हालात उसके सब सेंटर का, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बहुत ही बुरी हालात है कई राज्यों में, हमने उसको मजबूत बनाने का तय किया। और भारत सरकार ने 2022 तक आयुष्मान भारत में 1.5 लाख हेल्थ प्राइमरी सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का तय काम किया, इलनेस से वेलनेस हालात में ले जाने का काम किया। और हम 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश में तैयार करने जा रहे हैं, और हर प्रकार का उपकरण, ताकि छोटे छोटे संस्थान में भी टेलीमेडिसिन का भी हमने इस कोविड के कालखंड में हमने जो टेलीमेडिसिन सरकार की रही है उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। हम बराबर कहते हैं, जब मैं बिहार में स्वास्थ्य मंत्री था, चिकित्सा चिकित्सक आपके द्वार तभी होगा देश का उद्धार। तो गांव गांव तक, जन जन तक हम चिकित्सा सेवा को कैसे पहुंचाएं, ना केवल अस्पताल में आकर के बल्कि हम उनके घर तक कैसे पहुंच सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य मेला के द्वारा, चाहे मोबाइल भान के द्वारा, हर प्रकार की सेवा, टेलीमेडिसिन सेवा। कोविड के कालखंड में हमारे जो टेलीमेडिसिन का उपयोग लोगों ने किया है ये सराहनीय, और इसलिए हम इन सभी सेवाओं को जनता के को सुपुर्द करते रहे। और आपकी जानकारी के लिए कि जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। भारत में जो विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण यह भी शामिल है, उस सेवा की कम लागत और चिकित्सा पर्यटन की प्रवृत्ति जो विकसित होती है वह मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। साथ ही सार्वभौमिक यूनिवर्सल स्वास्थ्य देखभाल, हम अब जो आयुष्मान भारत के द्वारा हम वर्ल्ड पूरी तरह से हेल्थ केयर को पहचानते हुए हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर भारत, हमारी सोच है कि आज हम ना 55-60 करोड़ लोगों, गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत का हमने किया, आने वाले दिनों में हम देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, और उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय उस पर मंथन कर रहा है। हम गरीब, मध्यम वर्गीय और समाज के ऐसे सभी लोग, हम सबको चिकित्सा सुलभ बनाए, सस्ती हो, हमारा स्वास्थ्य विभाग का नीति 2017 में जो स्वास्थ्य नीति बनी, सर्वे संतु निरामया, उसी के आधार पर भारत सरकार की यह स्वास्थ्य नीति है। सर्वे संतु निरामया, सभी आरोग्य रहे, जो WHO कहता है हेल्थ फॉर ऑल, हमारे यहाँ शुरू से, कोई आज नहीं, प्रारंभ काल से, सदियों से सर्वे संतु निरामया, सभी आरोग्य रहे, दुनिया भर के ना केवल मनुष्य, जीव जंतु ही नहीं बल्कि पशु पक्षी चींटी तक को हमारी देश की कल्पना है, वह भी उसका भी कल्याण हो। हमारे जैन मुनि या सुदर्शन जी जैन जानते हैं कि जैन मुनि हमारे यहाँ आज भी चलते हैं, पैदल चलते हैं बहुत सारे, और सड़कों को झाड़ू देते हुए चलते हैं ताकि किसी चींटी का हमारे पैर से दब न जाए। कितनी बड़ी सोच है ये, महान भारत की कितनी बड़ी परंपरा। आज हम सब लोग, हम अपने ऋषि मुनि सबको याद करते हैं आज के दिन में, और कोविड के कालखंड में
हमारे प्रधानमंत्री जी और हम लोगों ने बहुत ही योग्य ढंग से और जनता का सहयोग मिला और हम लोगों ने हेल्थ केयर के द्वारा अपने एडवाइजरी जारी करके देश के तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रालय से संपर्क करके समय समय पर एडवाइजरी भी जारी किया और राज्यों ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया, चाहे वो सत्ता पक्ष के राज्य हों या विपक्ष के, हमने सबका साथ दिया। और आज आपकी जानकारी के लिए 15,000 करोड़ रुपया प्रारंभिक में हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व बैंक से बातचीत करके और हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग को 15,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि भाई ये रखो। अभी कोविड का 2,000 करोड़ रुपया वेंटिलेटर के लिए उन्होंने कोविड केयर फंड से अभी स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया है। 15,000 करोड़ पहले दिया और हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 4,100 करोड़ 4,100 करोड़ रुपया सभी राज्यों को उसका आवंटन भी किया। और उसके अलावा आज हम पीपीई किट्स, जो दुनिया में पहले भारत में नहीं बनता था, आज पीपी किट्स हम उसकी बात कर रहे हैं, जहां एक भी नहीं था, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो या जो हमारे अन्य सहयोगी मंत्री ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के समूह ने बातचीत करके, हम लोगों ने बातचीत किया और जहां एक व्यापारी खड़ा हुए, आज 600, एक दो नहीं, 600 पीपी किट्स बनाने वाले भारत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन के बाद अच्छी क्वालिटी का दूसरा पीपी किट्स अगर कोई प्रदान कर सकता है तो उसका नाम भारत, उसका नाम भारत। हम पीपी किट्स और आज के दिन में जहां एक भी नहीं था, आज 3.5 लाख प्रतिदिन पीपी किट्स हमारे 100 ऐसे जो पीपी किट्स बनाने वाले जो पहले से रजिस्टर्ड है उन लोगों के द्वारा 3.5 लाख प्रतिदिन पीपी किट्स मिल रहा है और सभी राज्यों को हम लोग भेज रहे हैं, करोड़ों पीपी भेजा है और आगे भी हम कुछ माह तक भेजते रहेंगे पीपी किट्स, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर्स भी हम लोग ने कुछ विदेशों से और कुछ स्वदेशी जो बनाने का तय किया है वो बन रहा है, उसको भी आगे भेजा जाएगा। उसकी गुणवत्ता को परखते हुए सब प्रकार से हम चाहेंगे कि हमारा देश स्वावलंबी। और आपने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने, जो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की बहुत कमी है, जो दूर करने के लिए हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए। मेडिकल कॉलेजेस, सरकार ने 75 मेडिकल कॉलेजेस, 150 मेडिकल कॉलेज 3 साल में हम लोगों ने देश को दिया है। डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, पीजी की सीटें बढ़ा रहे हैं ताकि हमको अच्छे अच्छे डॉक्टर मिले, उसकी भी संख्या हम दे रहे हैं। हमने आयुष मंत्रालय, दुनिया में पहली बार भारत ने आयुष मंत्रालय को स्थान दिया। हमने आयुर्वेद और योग, हमारे जितने भी इस प्रकार की आयुष पद्धति है, हमने उसको भी विकसित करने का काम किया है। और खास करके भारत जो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर उद्योग में वैश्विक मानकों के अनुरूप, हम जो वर्ल्ड के अंदर जो एक पैरामीटर है उससे हम कम नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा है। और आपकी जानकारी के लिए कि हम आगे हर प्रकार के उपकरण भी बनाने के लिए तैयार हुए हैं, हम स्वास्थ्य का उपकरण भी तैयार कर रहे हैं, स्वास्थ्य से उपयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग होने वाला हर प्रकार के चीजें भी हम तैयार कर रहे हैं। हमने दुनिया में उसका दाम भी घटाया, कल हो करके अगर प्रेस मेकर हो या हड्डी को लगा में अगर घुटने का, वो भी दाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सस्ता किया। इसलिए हमारी नीति है सस्ती, सुलभ और सब प्रकार से और होलिस्टिक अप्रोच के साथ। हम केवल एलोपैथी नहीं, हमने होम्योपैथी, आयुर्वेद, आयुष सबको स्थान दिया। इन कह सकते कि हमारी समग्र स्वास्थ्य नीति, तो निश्चित रूप में भारत ने हेल्थ केयर के उद्योग में काम करने वाली कंपनियों को हम सरकारी स्तर पर हर प्रकार की मदद भी हमने करने का तय किया है। और आपने देखा कि अभी 20 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने इसका एक आह्वान किया, उसमें चाहे वो छोटा उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, या लघु उद्योग हो, इन सबको बढ़ावा देने के लिए और साथ साथ अनेक प्रकार के जो हमारे आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी हमने योजना लाया, जहां गरीब श्रमिकों के लिए 3,800 करोड़ का मुफ्त 2 महीने का अनाज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया। 8.5 करोड़ लोगों को अगले 2 महीने के लिए 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, ये घर घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है
ऐसे गरीबों के, श्रमिकों के, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार हर और 20 लाख करोड़ की जो ये योजना है इसमें दवा उद्योग को भी बल मिलेगा। अभी आपने शायद हमारे कैबिनेट ने कुछ दिन पहले हाहाकार हो गया था, और जब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में, चाहे बिहार में, जब मैं पहले स्वास्थ्य मंत्री था वर्षों पूर्व 2010 वगैरह के, तो उस समय मैं 5 बार विधायक रहा, वहां मंत्री भी रहा, और सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक छोटा सा हम सेवा करने का अवसर दिया है। तो हमने स्वाभाविक रूप से, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अब आपात से अवसर को बदलना, और अब तो कोविड के साथ जीवन जीने का अभ्यास, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसलिए हमने लॉकडाउन 4 में, अब लॉकडाउन 5 का इंतजार करिए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को कोई अद्भुत कुछ चीजें आपके सामने जरूर रखेंगे, तो मन की बात भी करने वाले हैं 31 तारीख को। प्रधानमंत्री जी बड़े ही सोच और समझ करके, सब लोगों से फीडबैक ले करके, और जो भी निर्णय लेते हैं वो राष्ट्रहित में लेते हैं, और मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी आवश्यक है उस काम को वो कर रहे हैं। अब मैं अंत में यही कहूंगा कि आप सब लोगों ने जो आज का मंथन किया, समुद्र मंथन, और इस मंथन से जरूर रत्न निकलेगा, 16 रत्न समुद्र मंथन से निकला था, देवता भी थे और दानव भी थे। भगवान शंकर ने विष पी करके अपने गले को नीलकंठधारी बना लिया, हलहल कर गए, तो हमारे यहाँ तो विष पीने की भी आदत है, और अमृत भी दान करने का, अमृत दान करते हैं और विष का पान करते हैं, ये भारत की परंपरा रही है, और इसलिए मुझे खुशी है कि भारत सरकार की नीतियों को और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया, हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर हों, और हम निश्चित रूप से यह जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर अभियान है ये देश को बल देने का काम करेगा, और दुनिया में फिर से भारत महान कैसे हो, एक महान भारत की कल्पना जो आपके दिल में है, जिस बात को आप बार बार बोलते हैं, निश्चित रूप से ये भारत महान भारत बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो मेक इन इंडिया की बात करते थे, जो डिजिटल इंडिया की प्रधानमंत्री जी बात करते थे, आज कोविड के कालखंड में हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से, चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो, सरकार से हो, आम जनता से हो, या वेबिनार भी कर रहे हैं, तो आज का प्रवचन, आज का जो कार्यक्रम है ये भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये आज डिजिटल इंडिया का काम दिखाई पड़ रहा है। तो देश सभी मामले में हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से लेके डिजिटल इंडिया तक आगे बढ़ रहे हैं, और जो आपने कहा वैक्सीन की बात और दवा की बात, हमें विश्वास है आप जैसे उद्योग धंधे में जो लगे हुए लोग हैं, ईमानदार कर्मठता से आपने जो सेवा देश के लिए कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले हमारे वैज्ञानिक जो है, जो वैज्ञानिक दिन रात शोध कर रहे हैं, देश का भी और विदेशों का भी सहयोग हम उसमें ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले 4-6 महीने के अंदर जितना जल्दी से जल्दी होगा हम वैक्सीन भी, कोरोना से लड़ने के लिए दवा भी तैयार करेंगे। हमारा विश्वास है कि आत्मविश्वास कभी भी कमजोर नहीं होगा, इस विश्वास को और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में वैक्सीन और हेल्थ केयर कंपनियों के विकास में अनुसंधान को प्राथमिकता दिया जा रहा है, COVID-19 के लिए नई वैक्सीन और के लिए जो फार्मा सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो अनुसंधान के माध्यम से वैक्सीन तैयार कर सके, और भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी साझेदारी की भी योजना भी काम हो रहा है। हमारे हाल के घोषणा में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, जहां हमने हर जिला में एक संक्रमण अस्पताल खोलने जा रहे हैं, साथ साथ हमारा टेस्ट लैब, जो टेस्ट लैब था एक भी भारत में नहीं था, आज 641 देश भर में टेस्ट लैब हो गया, जो कोरोना वायरस का हम इसका वैक्सीन, ये कोरोना का जांच का 641 आज हमारे देश भर में ICMR ने वो प्रयोगशाला खोल दिया। उसके अलावा ट्रूनेट, जो अपने देश में ही बना है, वो ट्रूनेट कंपनी आज जहां सर्च करने के लिए सहयोगी के रूप में काम कर रहा था, वो जांच भी कर रहा था RT-PCR के समान, अब RT-PCR जांच करने लगा, PCR टेस्ट वह भी शुरू हो गया। इसी भारत ने इस कोविड के कालखंड में इतना बड़ा काम किया है, तो हमारे देश के अंदर वो मशीन भी तैयार हो गया, उसके किट्स भी तैयार हो गए,
और वो काम भी शुरू हो गया। हमने पहले जो मैंने बताया कि टीबी के लिए जो टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी जो सोच है कि पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2030 का टीबी मुक्त बनाने का दुनिया को है, भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का तय किया है और उसके मील के पत्थर के रूप में हमने ट्रूनेट को टीबी जांच के लिए उनका मशीन उपलब्ध किया था छोटा छोटा जो उन्होंने बनाया, और CBNet जो विदेशों का है, हम इन दोनों सहयोग से टीबी जांच में अब इन दोनों को इन्होंने कहा हम कोविड की भी जांच कर सकते हैं और कोविड के काम में भी हमने लगाया। तो मुझे विश्वास है कि हमारे कई उपकरण भी इस कारण तैयार हुए हैं और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हम लोकल स्तर पर भी मतलब प्रखंड के स्तर पर हम लैब खोलने जा रहे हैं, वहां भी जांच सब प्रकार का हो इसकी चिंता हम कर रहे हैं और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत बड़ी PPP का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए सार्वजनिक और निजी साझेदारी की योजना को हम बल दे रहे हैं, इसमें हमारा प्रयोग होगा। और आप जानते हैं कि जहां हम 1000 टेस्ट नहीं कर सकते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 31 मई के पहले 1,00,000 टेस्ट प्रतिदिन भारत करेगा, और आपकी जानकारी के लिए आज से 8-10 दिन पहले 1,00,000 टेस्ट हमारा पहुंच गया, 1,00,000 टेस्ट, आज हम 1,22,000 टेस्ट आज हम करके सुबह तक 1,22,000 टेस्ट हुआ है और 641 लैब है, और उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि ट्रूनेट और इस प्रकार की मशीनें आज कोविड के पॉजिटिव टेस्ट में और RT-PCR टेस्ट के में लगा हुआ है। हमारे कंपनियों को और फार्मा हेल्थ केयर क्षेत्र में किसी तरह का परेशानी नहीं है, उनको कोई बिना भय से भय मुक्त होकर के हमारे वैसे उद्योग के लोग आगे बढ़े। और दूसरी बात कि आज जब हमें डर था कि चीन में ही सब प्रकार का API वहां तैयार होता था, आप सभी जानते हैं, जबकि भारत में आज से वर्षों पूर्व भारत 60% वो तैयार करते थे, बीच के कालखंड में कुछ कारण से हमारी नीति वो ठीक नहीं रही और आज विदेशों में हम विदेशों के सहारे जीते थे। आज दवा उद्योग बंद करने की स्थिति में एक आतंक छा गया था, जहां जहां जाते थे वहां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग कहते थे, मैं इंदौर गया था कुछ महीने पहले और कई जगह पर जब मैं गया बम्बई में, वहां भी कहा कि भाई अब ये तो दवा उद्योग बंद हो जाएगा, API हमको है नहीं। हम लोगों ने उस समय भी कहा कि हमारे पास मनोबल है, हमारे पास संयम है, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में API का पूरा एक जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जो है वहां हमने एक नीति बनाई और उसको कैबिनेट में लाके पारित किया, और आज 1,000 करोड़ रुपया API बनाने के लिए हम लोग भारत में उसको निवेश करने जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ा काम होगा और फिर से भारत जो आपने कहा है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, आगे भी रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज के इस महत्वपूर्ण और हम कह सकते हैं कि इस शाम समय पैनल डिस्कशन जो हो रहा है, उस डिस्कशन के लिए मैं सैकड़ों लोग इसमें जुटे हुए हैं, मैं उन सब लोगों को शुभकामना देता हूं और आप सुखी हों, स्वस्थ रहें, आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, किसी भी हालत में लॉकडाउन का अनुपालन करें और देश को आगे बढ़ाने का, हमारा देश महान भारत बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यह भारत महान भारत बनेगा और एक दिन फिर से ये भारत 21वीं शताब्दी का भारत, युवा भारत जो है विश्व के अंदर भारत की पहचान आगे बढ़ रही है और हम विश्व गुरु बनेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। परम वैभवन्वे तुम्हें तत्सराष्ट्रम समर्था भवत्वा सजाते वर्षम, हे भारत माता तुम परम वैभव के शिखर पर पहुंचो, यही देशवासियों की हम सब लोगों की यही तमन्ना है और निश्चित रूप से विश्व कल्याण के लिए हम सब लोग अग्रसर होते रहेंगे, दुनिया का भला हो जग का भला हो ये काम हम लोक हित में करते रहेंगे, लोक हिताय परम हिताय, लोक सुख के लिए कल्याण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिलने का हमें परम सुख हुआ, मैं नमस्कार करता हूँ आप सब लोगों को कि आपने हमारी एक छोटी बात को सुनने का हमें बोलने का आपने अवसर दिया। मैं अमर प्रसाद रेड्डी, इन्होंने मुझे खबर किया था, हमारे मीडिया का
काम एडवाइजर के रूप में देखते हैं, मीडिया कंसल्टेंट के रूप में, तो बराबर दक्षिण हो या उत्तर हो या पूर्व हो या पश्चिम हो, सबके साथ मिलते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। आप जैसे लोगों से मुझे आज सुखद अवसर मिला मिलने का। मैं आप सब लोगों को दिल से, तहे दिल से आप सबको बधाई देता हूं, और सर्वदम सुखम जीवे, अनंत काल तक आप सुखी और स्वस्थ जिए, यही भगवान से कामना करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सहज शब्दों में ना केवल सरकार के जो प्रयास है वो उनकी जानकारी दी, बल्कि हम लोगों का सबका मनोबल बहुत बढ़ा दिया है सर। हम अभी दुगनी और चौगुनी स्पीड से और काम करेंगे, और मैं खाली आधा मिनट और लूंगा। अमित जैन भी हमारे साथ में है, वो अभी यूएस कैलिफोर्निया से जुड़े हुए हैं सर, और साथ में मिलके भारत की जो छोटी छोटी कंपनीज है जो कोविड में काम कर रही है सर, जिन एक कंपनी है राजकोट की जिन्होंने भारत की पहली ऐसी मशीन बनाई है जो पीपीई किट में ऐसी तकनीक के साथ में पीपीई किट बनाती है कि जहाँ पे वो सिलाई में जो होल होते हैं उससे इन्फेक्शन ट्रैवल ना करे बॉडी में, तो उस तरह की ड्रेस बनाई है। दूसरी एक कंपनी है अपने गुजरात की जिन्होंने आयुष मिनिस्ट्री में अपना फॉर्मूला भी अभी सबमिट किया है। उन्होंने वो क्लेम करती है कि पहली ऐसी आयुर्वेदिक दवाई बनाई है जिससे लेने से 50 कोविड पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने अटेम्प्ट किया, उसको ट्रायल किया, 50 के 50 कोविड पेशेंट 4 दिन में ठीक हो गए उसमें से। बहुत, बहुत बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं महावीर बाबू। हाँ, ये डॉक्टर ऐसा था सर, और अभी हम लोगों ने उसको प्रयोगशाला में भी सिद्ध किया है, जो अश्वगंधा और एक प्रकार की दवाई सिस्टम को बढ़ाने का। और भारत में आज दुनिया से हम कम इसलिए भी हैं कि हमारे लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है, और मुझे खुशी हो रहा है अमित जैन जी जो सीईओ हैं और इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है, बहुत बड़ा काम किया है। मैं इनकी बात को भी कुछ देर के लिए जरूर सुनूं। अमित, थैंक यू माननीय मिनिस्टर जी। काफी सारी कोशिशें गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी सारे प्रयास कर रही है। इतने बड़े देश को चलाना और इतने बड़े देश को इस माहौल में रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वो कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं और महावीर रोज़ बात करते हैं, मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया में हूँ और वो महावीर रोज़ एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि अच्छा क्या चल रहा है। तो मैं उसको ये बोलता कि भाई ट्रम्प को तो कोई पड़ी नहीं है क्या चल रहा है, वी ऑल हैव टू डू आवरसेल्व्स, देयर इज़ नो पॉलिसी विच द ट्रम्प इज डूइंग। अगर मेरे को लग रहा है बाहर जाना तो जाओ, अगर मेरे को नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जाऊँ। बट इतने बड़े देश में वो करना बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं होता, मेरा पर्सनल व्यू है, तो अपन कुछ और भारत आज देख रहे होते। आज अपन बात कर रहे हैं, एटलीस्ट घर से लेके सब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो क्योंकि आज अपन वो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं है। तो बहुत 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 धन्यवाद, मतलब ये सब लीड करने के लिए। एंड एक चीज काफ़ी हम प्रयास कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि जो इनोवेशन है, दैट भारत को इनोवेशन में आगे कैसे बढ़ाए। अब पिछले 6 महीने या साल भर से हम ये प्रयास कर रहे थे और अब ये प्रयास दिख रहा है। श्री रतन टाटा जी लास्ट पैनल डिस्कशन पे थे, उन्होंने भी यही बोला कि आज नीड ऑफ एन आर अपना ये है कि इनोवेशन में भारत को आगे लाए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत में, वी वर डूइंग अ ब्रेन ड्रेन, अपना टैलेंट का ब्रेन ड्रेन हम कर रहे थे, अपने ही टैलेंट को लेके पूरी दुनिया में जा रहा था। मैं भी एक शायद वो ही बंदा हूँ कि ब्रेन ड्रेन कर रहा हूँ, बट वो वापस कैसे आवे और वो वापस आके भारत को कैसे आगे लेके जाए, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इनोवेशन है अपने भारत में, बस उसको अपन गवर्नमेंट का सपोर्ट और गवर्नमेंट का वो रहेगा तो शायद इंडिया से बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी नई फार्मास्यूटिकल, मिस्टर दुआ ने भी बोला, सुदर्शन जी ने बोला कि अपने इंडिया से बहुत सारी फर्स्ट निकलेंगे। और आई थिंक इन नेक्स्ट ये डिकेट शायद भारत का डिकेट हो सकता है विद द राइट पॉलिसीज एंड विद द राइट एटीट्यूड, वी विल बी एबल टू डू दैट। थैंक यू फॉर दैट। बहुत अच्छा जी, नमस्कार। बहुत अच्छा, नमस्ते। बहुत अच्छा जैन जी, आपने बहुत अच्छी बात कहा। और अब दिलेश जैन जी भी जुड़ गए हैं पहले से। यस थैंक यू, थैंक यू फॉर योर अपडेट। यू नो, वन ऑफ द पॉइंट जो अमित ने बताया, रिवर्स ब्रेन ड्रेन,
मैंने काफी साल अमेरिका में निभाए, 18 साल वहां पे था. एंड कमिंग बैक टू इंडिया, आवर फोकस इज ऑन इनोवेशन. एंड मिस्टर जी, आपके लिए सवाल था, गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है विद नीति आयोग एंड विद द स्टार्टअप इंडिया. अभी ये कोविड सिनेरियो में इसके बाहर जो चेंजेस लगेंगे फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड द यंगर जनरेशन टू कम आउट, उस मामले में आई थिंक वी हैव डन फैंटास्टिक एफर्ट. बट आई थिंक और ज्यादा इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे हेल्थ केयर की जो इनोवेशन है, टू डू ट्रायल्स, टू डू सर्टिफिकेशन, वैलिडेशन रही है. इनफैक्ट हमारा जो पैनल का डिस्कशन था वो सेंटर्ड अराउंड दिस, कि जहाँ पे इनोवेशन आ रहे हैं, हाउ कैन गवर्नमेंट एक्चुअली हेल्प टू एक्सपीडाइट, मतलब ये कितनी क्विकली हम इंडस्ट्री में लेके आ सकते हैं. यूएस में मैंने काफी साल निकाले जहाँ पे यू नो स्टार्टअप्स को काफी सारा प्रोमिनेंस दिया जाता है एंड एनकरेजमेंट दिया जाता है टू एक्सपेरिमेंट. आई थिंक इंडिया इज नाउ गेटिंग इन टू दैट फेज के अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर स्टार्टअप कैन एक्चुअली डू दिस. आई वुड लव टू हैव योर ओपिनियन ऑन हाउ इनोवेशन कैन बी सेंटर स्टेज. देखिए, आपने जिस बात को कहा है कि स्टार्टअप को कैसे बल दिया जाए, तो भारत सरकार ने इस पर योजना बनाई है, नीति भी हमारा बना हुआ है. हमने कई स्टार्टअप को बल भी दिया है और आज बहुत सारी कंपनियां आगे बढ़ रही है. और हमने अभी के कालखंड में जो स्टार्टअप इंडिया की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो योजना प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज घोषणा किया है, उसमें हमारे वित्त मंत्री ने इस बात को बताया है पहले भी, और उसके और गहराई में आप जब जाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमारे स्टार्टअप इंडिया को उससे बल प्रदान होगा. और उसके लिए जो कुछ भी आप अगर कोई सेक्टर के लिए चाहते हैं उसको भेजेंगे, तो हम उसमें निश्चित रूप से आपको उचित बात, जो भी सरकार की बात है, वो मैं बताने का काम करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और हम अपने प्रोग्रेस आपकी टीम भी कुछ कहना चाहूंगा, एक शब्द अगर आप कमेंट करें. मंत्री महोदय, आपको कुछ बताना चाहूंगा. बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच थी आपकी. एंड एज दे से कि आई वाज जंपिंग ऑल ओवर द टाउन, क्योंकि आप जो बोल रहे थे दैट इज म्यूजिक टू द इयर्स. सर, मैंने फार्मास्यूटिकल स्पेस में यूएसए में और यूके में खासकर बहुत ट्रैवल किया है, बहुत कंपनीज के साथ काम किया है. सर, बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि जो R&D रेगुलेटरी स्पेस है इनोवेशन का, जो हम ड्रग्स बनाते हैं, बायोलॉजिकल्स बनाते हैं सर, उसमें 60-70% स्टाफ जो है वो भारतीय है सर, गुजराती है, तेलंगाना के हैं और आंध्रा के हैं सर. अगर वो लोग, जैसे ब्रेन ड्रेन की बात चल रही थी, नीलेश जी ने भी बोला, महावीर जी ने भी बोला, रमित जी ने भी बोला और सुदर्शन जी ने बोला सर, वो अगर ब्रेन हमारे यहाँ एक तो आ जाए, कल्टिवेट हो जाए सर, हमें इनोवेशन की ट्रैक में अगले 10 साल में कोई नहीं रोक सकता सर. ये मेरा एकदम विश्वास है सर. दुआ साहब, मैं तो इसलिए कहा कि भगवान की दुआ और धरती पर हमारे भारत के इंसान की दुआ, ये दोनों काम करते हैं. एब्सोल्युटली सर. जब मैं बिहार से मंत्री था तो लंदन गया था, तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर भी गांव गांव में वहां सभी जगह पर काम कर रहे थे. वहां डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मैं उद्घाटन में गया था, मैंने यही वाक्य मैंने लोगों को कहा था कि ब्रेन ड्रेन तो भारत का हुआ है, अब ब्रेन गेन का वक्त आ गया है, हमें ब्रेन ड्रेन के बाद अब ब्रेन गेन चाहिए. ये बात और लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार जा रहा हूँ, देखा कि किस प्रकार से मतलब लोग हमारे विदेशों में रह करके अच्छी अच्छी दवा की इंडस्ट्री, गुजरात के कई भाइयों से मुझे मिलने का मौका मिला है, ब्राजील के काफी लोग थे, तो कई लोग जो गुजरात के लोग है, हैदराबाद, आंध्र से भी आते हैं, कई मुल्क से वहां पर जाकर के अच्छा अच्छा उद्योग बना रहे हैं, बैठा रहे हैं, और बड़े बड़े चिकित्सक और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ देश और दुनिया में वो अच्छे काम कर रहे हैं. तो आज भारत में भी उनके सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए आप सारे लोग उनको जरूर भारत में उनको भी आमंत्रित करिए, वो भारत आते रहे और भारत में भी अच्छे काम करें, ताकि भारत का भी लाभ होगा और प्रधानमंत्री जी जिस सेवा के लिए आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े हैं, आगे कोविड का भी निश्चित रूप से खात्मा होगा. कोविड क्या, ऐसे तमाम राक्षसी प्रवृत्ति को नाश करने वाला भारत ही है. राय राय धर्मश ग्लानी भरवती बात हम कहते रहते हैं. और निश्चित रूप से माँ दुर्गा की शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्य नमस्तस्य
नमस्तस्य नमो नमः, जहां हमारी दुर्गा भगवानी जगदम्बा ये कहती है महामारी कोई दूसरा नहीं, महामारी का रूप मैं स्वयं, स्वयं शक्ति के रूप में महामारी को मैं ही दूर करूंगी। आप, मैं तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी और मैं निश्चित रूप में जो दुर्गा सप्तशती आप भी पढ़ते होंगे उसके 12वां अध्याय में है, महामारी स्वरूपा स्वयं भगवती और मैं ही महामारी का नाश करूंगी। तो भगवान हमारे साथ है और आप जैसे इंसान जब होगा तो हमें दुआ मिलता ही रहेगा, इसलिए कहीं दो बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार जय जी, बहुत अच्छा महावीर, अच्छा धन्यवाद। हम लोग जल्दी कोविड के बाद हम लोग एक साथ मिलेंगे, हमें विश्वास है कोविड हारेगा। कोई भी कॉप जीनी की तरफ से कोई भी इनोवेशन टेक्नोलॉजी में अगर हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाए सर आपके प्रयासों में तो हमारा सौभाग्य होगा सर। मेरे लायक जब भी कोई सहयोग हो तो आइए, स्वागत है, आप भेजिए, स्वयं आ सकते हैं, अब आइए और हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अमर फॉर हेल्पिंग ऑन दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.